उसके बेटा ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास कोई सबूत है? राणा अंकल ने सारे मैसेज दिखाए फोन पे। जो आंटी ने ब्यूटी को भेजे थे छुट्टी कहीं की मैं झूठ नहीं बोलती अंकल, शांतनु से पूछ लो। अरे आप क्या कर रहे हो? नहीं पापा, प्लीज प्लीज मम्मा को छोड़ो। तो हमारा फोन कर लीजिए सारे कॉल्स रिकॉर्ड्स मैसेजेस। देखा शान आपने किस तरह से झगड़ा लगवा रही है आपकी दोस्त आपके पापा और मामा के बीच में। पापा पापा प्लीज मामा को मत मारिए, मत झगड़ा करिए ना उनसे। देख लो अपनी आंखों से कैसे ये सोना गाची के लोग हमारे घर की सुख शांति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि आप घर वापस लौट आए। वो पैंतरा नहीं चला तो अब हमारे बच्चे के मन में हमारे खिलाफ जहर घोल रहे हैं। आपके पापा मामा के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं। साम दाम दंड भेद तो कोई इन लोगों से सीखे। अभी क्या पाप किया था हमने जो इन लोगों से पाला पड़ा। नौटंकी करना बंद करो। ना फोन मुझे दो, मुझे चेक करना है। आप इस लड़की की वजह से हम पे शक कर रहे हैं। आज ये दिन भी देखना पड़ गया। आप इसकी वजह से हम पे शक कर रहे हैं। हम पे नहीं पापा, नहीं। मम्मा का फोन आप चेक नहीं करेंगे। मुझे अपनी मम्मा पे पूरा भरोसा है, पुचकी से भी ज्यादा भरोसा है। इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। शान मेरी बात तो सुनो। बस ऐसे नहीं समझेगी, निकल मेरे घर से।
मुझकी की आंखों में सच्चाई देखी है मैंने। जैसी औरतें बाजार की रोशनी बन सकती हैं, घर का दिया नहीं। शौक हो सकती हो तुम, आवाज हो सकती हो तुम, किसी के घर की बहू नहीं। तुम जैसियों को घर के बाहर उठाकर फेंका जाता है। ऐसे ब्यूटी तेरे कपड़े, तेरा चेहरा, तेरे बाल क्यों बिखरे हुए? तेरी ऐसी हालत किसने की? कुछ तो बोल। चेहरा ही धो ले। नहीं मुरली, ये कालक मेरे चेहरे पे रहने दे। इन लोगों को देखने थे, पता तो चले लोगों को कि समाज से बाहर हमारी औकात क्या है। कीचड़ है बाहर। क्या हुआ मामूनी? कैसे लग रहा अपने पेट से जन्मी इस बेटी के चेहरे पे ये कालक? जिस कीचड़ में आपने मुझे जन्म दिया था ना, वही कीचड़ उस पूरे खानदान ने आज मेरे चेहरे पे लगा था। वही खानदान जहां पर आपकी इस प्यारी सी बेटी ने अपना वो बेटा दिया। देखिए क्या हालत की है शांतनु के खानदान ने मेरी। देखिए कुछ कहेंगी क्या? बची कुछ ममता भी आपकी मर गई। अरे गॉड प्रॉमिस शांतनु, बात तो सुन मेरी, सुन बात तो सुनो शांत। सोनागाछी की परवरिश की है, वो सिर्फ लाइफ बर्बाद करना जानते हैं। उनकी सोच भी गटर है। ठीक है, तुझे नहीं मानना तो मत मान। तेरी मम्मा झूठी है, बुरी है, गंदी है। शट अप, यस शट अप। अगर एक शब्द भी कहा ना मेरी मम्मा के खिलाफ तो तेरा चेहरा नहीं देखूंगा मैं। चली जा वापस, चली जा जहां से तू आई है, सोनागाछी। क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? क्यों चुप है मामूनी? अरे थोड़ा हंस लीजिए मेरा ये हर्ष देकर, थोड़ा तो हंस लीजिए।
दूसरों के तो आपने बड़े मजे लूटे और मेरे भी थोड़े से मजे लूट लीजिए ना। देखिए अपने इस बेटे की हालत तो चुप ही नहीं। क्या हुआ मामूनी, आज कुछ नहीं बोलेंगे आप मुझे? अरे हाँ, ये ढोल ताशे लाओ ना, ढोल ताशे। मुरली जा, घुंघरू लेकर आ। मामूनी, घुंघरू पहन के नाचेगी अपने बेटे की इस हालत में? देखो ना मामूनी, आपकी बेटी वापस आई है अपना मुंह काला करके। आपका खोटा सिक्का वापस आया है अपने किए की सजा लेकर। आज आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। मेरी हालत देख के खुश तो बहुत होंगी ना मामूनी, है ना आप खुश? हाँ, क्या कहा था मामूनी आपने मुझे? हाँ, कि बाड़ी की लड़की जो भी आपके नियम का पालन नहीं करेगी उसको आप सजा देंगे, यही कहा था ना आपने? यही कहा था। वो कहते हैं ना मामूनी, एक दुखी माँ की हाय बड़ी चोटदार होती है। लग गई मुझे आपकी हाय, देखिए लग गई मुझे आपकी हाय। ये दुपट्टा देख रही हैं आप? ये जला कुटा दुपट्टा देख रही हैं? भागे मेरे सपने इसमें से, भागे। कहाँ गए, किधर गए? कुछ नहीं पता मामूनी, कुछ नहीं पता। अरे कहाँ गए? निकल जा, निकल जा मेरे घर से, तुझसे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्या कर लेगा? मारेगा मुझे? बोलो बस, मार मुझे। अपने नए मामा के लिए हमारे पुराने दोस्ती तोड़ रहे तो उसे बुरा और क्या कर लेगा? क्यों कर रहा है ऐसा बुरो? ड्राइवर अंकल, ड्राइवर अंकल! आवाज दे रहा हूँ। अच्छा, इस लड़की को लेके जाइए और सोना गाची जाके ड्रॉप करें। जाइए। जाती हूँ। अब तेरी बुद्धि तुझे अच्छी नहीं लगती? मेरी आवाज, मेरी दोस्ती, मेरा मजाक कुछ नहीं अच्छा लगता। चिंता मत कर, जाती हूँ। तुझे और उदास नहीं करना मुझे। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तेरा तब बात करेंगे। वैसे भी गुस्से वाला यहाँ आकर और भी खड़ूस हो गया। अगर उसे कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी किसे ठोर टिके ना पाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी किसे ठोर टिके ना पाँव। तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, एक कभी
भले गुस्से में है, कभी तो शांत होगा। जाएगा कहाँ बड़ो, आना पड़ेगा पुचकी के पास। कट्टी से पट्टी होने में वक्त थोड़ी लगता है। लेकिन खबर दो, जो आज के बाद कभी भी हाथ छुड़ा कर गई तो अब तुम हाथ छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। शक्ति शक्ति कैसी तेरी खुद अर्जी, तुझे प्रीत पुरानी मिसरी। मस्त माला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रहेगा रे कबीरा। हमारे धंधे में किस्मत को नहीं कोसते ब्यूटी, छत हमारा सर ढकती है, घूंघट नहीं। और बदन ढकने के लिए तो दो जोड़ी कपड़े ही काफी होते। क्या भूल गई तू कि दुपट्टा पल्ला घूंघट उतार कर जीते हैं और उसके साथ अपनी शर्म। बदन पर हो सके उतने कम कपड़े, ये बाड़ी का नियम है। हमारे सर पे जिम्मेदारियां होती हैं, उसे दुपट्टे से नहीं ढक सकते हम। और फिर दुपट्टा तो खानदानी बहु बेटियों का गहना होता है, और तू तू चली थी बहू बनने की चाह में, तो फिर किस्मत को क्यों कोस रही है? मर्द अपना घर छोड़कर कोठे पर आ सकते हैं, पर औरतें कोठा छोड़कर घर पर नहीं जा सकती। एक तरफा रास्ता होता है ये, वन वे रोड। दुपट्टे से सर ढककर बहू बनने की चाहत तेरी थी, तो इसके जलने की नफरत भी तू ही झेल। नियत बुरी थी इसलिए अंजाम भी बुरा हुआ, अब भुगत बैठकर। पीछे मेरी फेवरेट नेवी मार। नेवी मार ब्यूटी ने दोस्ती कर लिया, उन्होंने मिलके किया ये सब। उचकी और शान के बीच की दोस्ती की दरार यूं ही बढ़ती रही, ताकि मैं अपने हृदय को उसका हक दिलवा सकूं। अब फिर चाहे जो भी करना पड़े, मैं अपने मकसद में कोई अड़चन पैदा नहीं होने दूंगी।